बड़ी खबर इस वक्त यह है कि आज डीआरसी का झटका और कल दिल्ली वालों को बीजेपी सरकार दे सकती है राहत। जी हां, दिल्ली में बिजली दर के मुद्दे पर दिल्ली के बीजेपी नेता जगदीश मुखी ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की और बिजली बिल में बढ़ोतरी का विरोध जताया है। दरअसल ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि कल दिल्ली सरकार का बजट संसद में पेश होना है और संसद में पास होना है। दिल्ली के बजट में 800 करोड़ की पावर सब्सिडी मांगी है जगदीश मुखी ने। गौरतलब है कल दिल्ली का बजट आने वाला है और इस तरह के तमाम कयास थे कि आज जो मुलाकात की उसका परिणाम कल देखा जा सकता है और सब्सिडी का ऐलान किया जा सकता है। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं। अमिताभ, जगदीश मुखी ने मुलाकात की है, मान लिया जाए कि सब कुछ तय है और कल 800 करोड़ की सब्सिडी दिल्ली वालों को मिल जाएगी। देखिए, दो चीजें साफ है कि जिस तरह से आज डीआरसी ने रेट बढ़ाए उसको लेकर तमाम बीजेपी के सांसद और नेता काफी आहत है और यहाँ तक कि डीआरसी जो स्टैचुटरी बॉडी है उस पर नकेल कसने की और उसको ठीक से मैनेज करने की बात लगातार कर रहे थे। लेकिन अरुण जेटली से जगदीश मुखी की मुलाकात हुई है। इशारों में जगदीश मुखी ने यह कहा है कि जो पार्टी के मैनिफेस्टो में वादा किया था 30% बिजली की सब्सिडी देने का, हो सकता है उसे दिल्ली का जो बजट पेश करेंगे साल 2014-15 का अरुण जेटली वित्त मंत्री कल लोकसभा में 12 बजे के बाद, उस बिल में कुछ ना कुछ राहत दी जा सकती है। जो सब्सिडी की बात बीजेपी कर रही थी, सूत्रों की माने तो 30% सब्सिडी तो किसी ना किसी फॉर्म में, कहीं 20%, कहीं 40%, लेकिन एक एवरेज निकालकर 30% सब्सिडी देने की संभावना बिल्कुल नजर आ रही है कल दिल्ली सरकार के बजट में जो अरुण जेटली पेश करेंगे। हालांकि जगदीश मुखी ने इस पर खुलकर कुछ नहीं बताया, लेकिन सूत्रों की माने तो ऐसा फैसला संभव है क्योंकि बिजली की बढ़ी कीमतों की मार जो आम आदमी झेल रहा है उससे काफी ज्यादा बीजेपी के आला कमान और बीजेपी के नेता जो दिल्ली के, वो काफी परेशान दिख रहे हैं और सांसद भी इसका विरोध जता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ सिन्हा इस पूरी जानकारी के लिए। अमिताभ हमारे साथ जुड़े हैं, एक सवाल और अमिताभ, यहाँ पर अमिताभ से संपर्क टूट गया। दर्शकों को हम बता दें जो सोच रहे होंगे कि संसद में दिल्ली का बजट क्यों, दरअसल दिल्ली में इस वक्त सरकार नहीं, विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन में, उस सूरत में एनसीटी एक्ट के तहत दिल्ली सरकार का बजट संसद में पास होने जा रहा है, जिसकी पूरी उम्मीद है कि कल 800 करोड़ की सब्सिडी यानी 30% जो बिल कम करने की बात दिल्ली विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कही थी, उसी की मांग को लेकर जगदीश मुखी दिल्ली बीजेपी के नेता ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की और उम्मीद जताई जा रही है कि कल बजट में दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर आ सकती है। अच्छे दिन आगे हैं, निश्चित रूप से आएंगे, हम बिजली का एक पैसा भी बढ़ने नहीं देंगे बाई सब्सिडी, और जो सब्सिडी देंगे वो किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोक करके नहीं देंगे। हमने केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री आदरणीय श्री अरुण जेटली जी से जाकर के 2-3 बार मुलाकात की है भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर्स ने, और उनसे कहा है कि हमने जनता से वादा किया था हमें किसी प्रोजेक्ट को रोकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप बजट के अंदर इसकी व्यवस्था करें। मुझे पूरा विश्वास है कल जो वो बजट पेश करेंगे लोकसभा के अंदर, दिल्ली का बजट पेश करेंगे, उसमें निश्चित रूप से ऐसा प्रोविज़न होगा जिससे हम दिल्ली की जनता को जो वादा किया था उसको पूरा करके देंगे। लेकिन अच्छे दिन आगे हैं, तो जिस आत्मविश्वास के साथ अरुण जेटली ये कहते हुए कि अच्छे दिन आ गए हैं, हम किसी भी कीमत में बिजली के दाम बढ़ने नहीं देंगे, ये कहना अपने आप में काफ़ी है। दरअसल इसे हम यूं भी मान सकते हैं कि आज डीआरसी ने रेट बढ़ाए हैं, बीजेपी ने विरोध किया, जगदीश मुखी अरुण जेटली से मिलने पहुंचे, कहीं ना कहीं दिल्ली में बिजली के मसले के ऊपर किरकिरी ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली की सूरत कुछ अलग है। उम्मीद यह है, एक तरफ बीजेपी सरकार बनाने की कवायद में भी है और दूसरी तरफ हो सकता है कि जनता के बीच जाकर चुनाव का भी सामना करना पड़े, शक्लो सूरत में कहीं बिजली का झटका पार्टी को न लग जाए, क्योंकि ये झटका है। आज की जो दरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है, आज डीआरसी ने जो डिस्कॉम कंपनियों में 8.32% की बढ़ोतरी की, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 0 से 200 यूनिट तक जो अब नई दर 4 रुपये प्रति यूनिट, 400 तक 5.95 रुपये प्रति यूनिट, 400 से 800 यूनिट का खर्च है तो 7.30 रुपये, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ोतरी हुई है।